अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी संसदीय उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के चुनाव प्रचार में किन्नौर पहुंचे। सांगला और रिकांगपियो में उन्होंने भाजपा की चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब एक साथ प्रदेश में एक लोकसभा व तीन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, यानी 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी क्योंकि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जैसे कुशल नेतृत्व है, जबकि कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना नीति है। उन्होंने हिमाचल के लोगों का गहरा विश्वास हमारी पार्टी के प्रति रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग निराश व हताश हैं। कुछ दिन पहले तक मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने को लिए भी मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस मजबूरी के तहत चुनाव लड़ने की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस समय व्यापक समर्थन लोगों का मिल रहा है, जिससे पार्टी को पूरी उम्मीद है मंडी लोकसभा के साथ साथ तीन विधानसभा क्षेत्रों में भी भारी मतों से प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया व लोगों से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सांगला में भी एक जनसभा को संबोधित किया। सांगला में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले कारगिल युद्ध में भी बेहतर नेतृत्व के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और इस बार उन्हें अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एक नया इतिहास रचेंगे। तो हिमाचल के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब एक लोकसभा का उपचुनाव और तीन विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और कुल मिलाकर के लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। और मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है हर परीक्षा में हम सफल हुए हैं। हमने लोकसभा का चुनाव 2019 का पहला परीक्षा का दौर वो था, उसमें चारों सीटें जीती, 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद दो उपचुनाव हुए, धर्मशाला और पच्छाद, दोनों उपचुनाव जीते। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव जीते। नगर परिषद, नगर निगम और सारे जितने भी चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, वो उसमें भी जीत हासिल की। कोविड का बहुत बड़ा दौर जो हमने पिछले 2 सालों से जिसको हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की थी। उसमें मैं उन्हें बेहतर काम करने की कोशिश की और आपने इस बात को भी देखा होगा कोविड को मैनेज भी किया और मैनेज करने के साथ साथ में हिमाचल जैसे स्टेट में जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन है वहाँ हमने सफलता हासिल की कि वैक्सीन का पहला डोज जो एलिजिबल हमारी कैटेगरी थी उसके लिए जो है पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया, उसमें भी हम सफल हुए। अभी यहाँ एक परीक्षा का दौर, ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद तीन विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। और जहाँ तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, आज हम किन्नौर में यहाँ आपके बीच में आए हैं और यहाँ ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते फौज में एक बहुत महत्वपूर्ण कारगिल का युद्ध में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। कारगिल के युद्ध में विजय हासिल करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको एक बार नहीं अनेक बार सारी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ईमानदार आदमी और आर्मी का अधिकारी और कारगिल पर विजय करने वाला अधिकारी, वो हमने इस चुनाव में उतारा है। तो मुझे पूरा भरोसा है
हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा सहयोग देगी और निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम जीतेंगे।